गुड़ामलानी उपखंड के नई उंदरी गांव से गुजरने वाले मेगा हाईवे पर सोमवार को हुए दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा नई उंदरी के पास मेगा हाईवे पर बालोतरा से गुड़ामलानी जा रही कार के पेड़ से टकराने से हुआ। हादसे में कार सवार चार लोग घायल हो गए। घायलों में से एक ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। गुड़ामलानी से अर्जुन दर्जी की रिपोर्ट। गुड़ामलानी क्षेत्र के नई उंदरी गांव से गुजरने वाले मेगा हाईवे पर सोमवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसे में तीन अन्य बुरी तरह घायल हुए। हादसा बालोतरा से गुड़ामलानी जा रही एक कार के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने से हुआ। दरअसल सोमवार को एक कार बालोतरा से गुड़ामलानी की ओर जा रही थी। नई उंदरी गांव के पास मेगा हाईवे पर कार चालक का संतुलन बिगड़ गया और कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इससे कार में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर रागेश्वरी गैस टर्मिनल थाना नगर पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा। इसके बाद घायलों को निजी वाहनों से गुड़ामलानी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां से प्राथमिक उपचार कर घायलों को सांचौर के लिए रेफर कर दिया गया। बीच रास्ते ही कार के चालक ने दम तोड़ दिया। हादसे में कार चालक स्वरूपाराम महेश्वरी उम्र 30 वर्ष की मौत हो गई जबकि मनोज कुमार महेश्वरी उम्र 25 वर्ष, सुमन महेश्वरी उम्र 25 वर्ष, भगवती महेश्वरी उम्र 20 वर्ष सभी निवासी शेरगढ़ गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का सांचौर के अस्पताल में उपचार चल रहा है। आरजीटी पुलिस कार को अपने कब्जे में लेकर पुलिस थाने लाई। समाचार प्रसारित होने तक आरजीटी थाने में इस घटना को लेकर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था।